भारतीय किसान यूनियन भूपेंद्र मान गुट द्वारा लाडवा के गांव मथाना में दिया जा रहा धरना समाप्त हो गया। इसके साथ ही आमरण अनशन पर बैठे किसान ने भी प्रशासन द्वारा 15 दिन का आश्वासन देने के बाद एसडीएम के हाथों जूस पीकर अपना अनशन समाप्त किया। इससे पहले भारतीय किसान यूनियन के नेता गुणी प्रकाश और प्रवीण मथाना ने कुरुक्षेत्र यमुनानगर रोड के बीचों बीच दीवार खड़ी करनी शुरू कर दी। इसके बाद मौके पर पहुंचे एसडीएम लाडवा ने किसानों से बात करके उन्हें उनकी मांगे जल्द पूरी करवाने का आश्वासन दिया। एसडीएम के आश्वासन के बाद किसानों ने अपना धरना 15 दिनों के लिए स्थगित कर दिया। लेकिन किसान नेताओं का साफ कहना है कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी के खिलाफ मामला दर्ज करने और उनकी गिरफ्तारी 15 दिन में ना हुई तो किसान फिर सड़क पर होंगे। जी, ऐसे एक सूचना मिली थी यहाँ मथाना के पास जो प्रदर्शन जो धरना प्रदर्शन चल रहा था, जिसमें एक व्यक्ति थे जो भूख हड़ताल पर भी चल रहे थे, उनसे आज यहाँ बातचीत की गई है मेरे द्वारा और डीएसपी साहब के द्वारा आके, और बहुत जो इन्होंने मांग बताई थी उसको हमने हायर लेवल पे भी बता दिया है, और जो भी इसमें नियमानुसार कार्रवाई होगी वो जल्द से जल्द की जाए। तो अनशन तुड़वाया काफ़ी दिन की? जी, अनशन जो व्यक्ति थे भूख हड़ताल पे उनका अनशन हमने तुड़वा दिया है और वो उन्होंने अपना सहयोग दिया है इसमें। कुछ टाइम दिया है इस दिन लोगों को आपने, कितने दिन का टाइम? नहीं, टाइम नहीं, जो भी है उसमें नियमानुसार जल्दी से जल्दी कार्रवाई होगी। नहीं, यहाँ एसडीएम साहब और दो तहसीलदार आए थे और डीसी साहब ने भी बात करी थी, क्योंकि नरपत राणा की बहुत हालत ख़राब है, वो किसी भी समय उनकी खतरे से खाली नहीं थे। तो हमने भी फैसला लिया और प्रशासन ने कहा कि गुरनाम चढ़ूनी जहाँ भी, क्योंकि जिस दिन भी कुरुक्षेत्र में वो आएगा उसको तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और हमने प्रशासन को चेतावनी दी, जहाँ गुरनाम चढ़ूनी माना मिलेगा उसको गिरफ्तार करके हम पुलिस के हवाले करके। कितने दिन का टाइम दिया आप लोगों? ये उन्होंने 15 दिन का, 15 दिन हमने इसको स्थगित कर दिया। अगर 15 दिन बाद इन्होंने नहीं मानी तो हम डीसी साहब का वहाँ परमानेंट 15 दिन बाद हम वहाँ धरना दे देंगे। अनशन भी शुरू करेंगे। तो जो नरपत राणा था उसके लिए क्या कुछ आश्वासन? नहीं, आश्वासन के लिए यह दिया भी उन्हें अस्पताल में भेज दिया, और 15 दिन बाद अगर इन्होंने गिरफ्तार नहीं कराया तो डीसी साहब के कार्यालय में अमरण अनशन भी होगा, और अगर नहीं मानने तो यह दीवार डीसी साहब के गेट के आगे लगे। अब फिलहाल दीवार हटाई जा रही है? अब यह हटाई जा रही है, फैसला हो गया, 15 दिन तक स्थगित कर दिया हमने। आज यहाँ एसडीएम साहब आए और उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया भी 15 दिन के अंदर, 15 दिन मैक्सिमम समय है भाई, अगर कल भी हमने गुरनाम सिंह चढ़ूनी कुरुक्षेत्र जिले की सीमा में कहीं दिखाई दे गया तो उसको तुरंत गिरफ्तार करेंगे, और उन्हें डीएसपी साहब को भी सख्त लिया जमे अभी हमारे सामने बात करी भाई, पूरी फोर्स लगा दी जाए गुरनाम सिंह चढ़ूनी के खिलाफ, जहाँ भी दिखे वहीं को उसके गिरफ्तार करके जेल में डालने का काम करे। नरपत राणा की स्थिति खराब थी, एसडीएम साहब ने उसको जूस पिला के और तुरंत मेडिकल टीम यहाँ आई एम्बुलेंस में लेके उसको मथाना जो सीएचसी है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उन डॉक्टरों ने कहा हमारे पास उपकरण दिया, इसकी स्थिति गंभीर है, अब वो LNJP में लेके गए। हाँ, आश्वासन के बाद हमने खोल दिया, अब यही द्वार डीसी रेजिडेंस पे बनेगी अगर 15 दिन के अंदर गुरनाम चढ़ूनी गिरफ्तार नहीं हुआ।